Hey, welcome back. I am Vivek Bindra, international motivation speaker, leadership consultant, business coach. Economic Times के articles मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, वो बार बार डाल रहे हैं. ये व्यक्ति आचार्य बालकृष्ण, जिनको आचार्य का उपाधि दिया गया. ये CEO मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पतंजलि ग्रुप, 70,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ 10,500 करोड़ का टर्नओवर, 400 SKUs बिल किए, अद्भुत लीडरशिप, तेजी से ग्रोथ किया. कैसे किया? इकोनॉमिक टाइम्स कहता है अगले टाटा बिरला की जगह लोग रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का नाम लेने लगे तो हैरान मत होइएगा. ये किया कैसे? आज बिजनेस ऑपरेशन और उनकी लीडरशिप की कुछ खास चीज़ें बताऊंगा. वीडियो पूरा देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे. 2012 से 2017 तक हर साल लगभग अपने टर्नओवर को दुगना करते रहे, 450 करोड़, उसके बाद 850 करोड़, 2014 में 1215, में 2006 करोड़, 2016 में 5,000 करोड़ और 17 में अचानक 10,500 करोड़. अगली बार 15 से 20,000 करोड़ की तैयारी है. बड़ी विजनरी लीडरशिप है इन दोनों की. क्या शानदार पार्टनरशिप है. हंसते हुए मजाक में उस दिन बाबा जी और आचार्य बात कर रहे थे कि पैंटीन की पैंट गिली कर देंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीवर तोड़ देंगे, कोलगेट का गेट बंद करेंगे और नेस्ले की चिड़िया उड़ा देंगे. ये बड़े फोकस्ड लोग हैं जो आज मिशनरी स्पिरिट से काम कर रहे हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आचार्य बालकृष्ण की लीडरशिप के कुछ स्पेसिफिक स्टाइल बताना चाहता हूं जिसने उनको बड़ी सफलता दी. पतंजलि ग्रुप के कुछ सीनियर बिजनेस लीडर से मेरी रिसेंटली कई बार बातचीत हुई और मैंने देखा बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटीज है जिन्होंने आचार्य बालकृष्ण को एज अ CEO, जो कि प्रोफेशनली आज सांसारिक पढ़ाई में तो बहुत तेज नहीं थे लेकिन शास्त्रों की पढ़ाई करी, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज बड़ी जबरदस्त है, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं. पहला चीज, इज एडमेंट इन डूइंग मोर इन लेस टाइम. उनका मीटिंग स्टाइल बड़ा पॉपुलर है. कोई भी मीटिंग और डिसीजन मेकिंग 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं. इंटरनल कोर टीम फॉर इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटीज, ही इज कंटिन्यूअसली एंगेज्ड इन फाइंडिंग एंड इवेल्युएटिंग अपॉर्चुनिटीज. लगातार इनकी कोर टीम बड़ी शक्तिशाली इन्होंने बनाई है. ही हेट्स ब्यूरोक्रेसी फॉर फास्ट डिसीजन, बिल्कुल भी वेट नहीं करते, डिसीजन बहुत तेज लेते हैं. ही ऑलवेज कीप्स कंपनीज इंटरेस्ट अबव दी सेल्फ इंटरेस्ट. कहने के लिए तो हिंदुस्तान के 8वें सबसे रईस इंसान है लेकिन तनख्वाह के रूप में 1 भी रुपया आज तक ड्रॉ नहीं किया. उनके साथ की कोर लीडरशिप टीम बताती है, ही हैज अ डेटा ड्रिवन इंटेलेक्ट. बिना डेटा के वो बात नहीं करते हैं, हर चीज का एनालिसिस और नंबर देखते हैं. डिसीजन तो डेटा ड्रिवन करते हैं लेकिन इमोशन देश के लिए लगाना चाहते हैं. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रोबस्ट रिव्यू मैकेनिज्म. ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेके छोड़ दिया. पीरियोडिक रिव्यूज के लिए उन्होंने टीम बनाई हुई है और टाइम टेबल्स बनाए हुए हैं. हर बिजनेस, हर SKU के लिए तेजी के साथ रिव्यू करते हैं. ही हैज अ वेरी हाई टॉलरेंस फॉर लेवल ऑफ रिस्क एंड फेलियर. तेजी से नए नए बिजनेस को ऐड करते हैं. बिजनेस के अडॉप्शन कर्व को पहचानते हुए डेटा के साथ जैसे ही डिसीजन, अब इसमें रिस्क भी है, फेलियर भी है. रिस्क बड़ा हो सकता है, फेलियर बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत तेज काम करते हैं बिना घबराए. फियरलेस लीडर हैं. हर मीटिंग में उनका फोकस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 2 गुना बढ़ा दो, इंटरनल मैन पावर को 5 गुना बढ़ा दो और ड्राइव योर ओन ऑर्गेनाइजेशन मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन. क्या तेज स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है. 15 घंटे काम करना, संडे को कभी छुट्टी नहीं करना, साल में 350 दिन से ज्यादा काम करना. इनकी कोर टीम जो है ना, टॉप मैनेजमेंट, दे आर फायर्ड अप विद स्वदेशी भावना. इंपोर्ट डिपेंडेंसी देश से खत्म कर देना चाहते हैं. और इनकी एक खास बात क्या है, कोर टीम तो बहुत अच्छी है पर ये ही सच अ विजनरी मैन. फॉर्मल एजुकेशन हमारे स्कूल कॉलेज की नहीं है लेकिन सच अ विजनरी मैन कि कोर टीम जब भी कोई काम करते हैं ये उनसे 3 स्टेप आगे की बात हमेशा करते हैं और लोगों को भी ऐसे ही तैयार करते हैं. इंटरव्यू सारे सीनियर लीडर्स के खुद ही लेते हैं, 2-2 घंटा 1.5 घंटे के इंटरव्यू लेते हैं. एक बार बढ़िया मैन पावर ले ली, उसके बाद डिसीजन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते. हर रिव्यू मीटिंग में, हर डिसीजन मीटिंग में, हर काम 5-5 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म करते हैं. लेकिन जब हायरिंग करते हैं तो कैरेक्टर कॉम्पिटेंस दोनों देखते हैं. कॉम्पिटेंस तो खैर होना ही चाहिए लेकिन कैरेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है इनके लिए. एक बार इनको सही कैरेक्टर के लोग जो इनकी वैल्यूज के साथ अलाइन हो जाते हैं तो उसके बाद इनको उनकी स्पीड बढ़ाने में और ऑर्गेनाइजेशन तेज करने में टाइम नहीं लगता. मार्केटिंग और ब्रांडिंग के कन्वेंशनल मेथड्स को लगातार तोड़ते हैं. सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बहुत डिटेल में मार्केट रिसर्च करते हैं. ये नई मार्केट रिसर्च में जाने की जगह जो एग्जिस्टिंग डेटा और एनालिटिक्स है उनको अपनी कोर टीम के साथ कंटिन्यूअसली स्टडी और एक्सप्लोर करते हैं. बाकी सारे ब्रांड्स
हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, रिकेट बैंक काइजर हो, ये सब अपने पेरेंट ब्रांड का नाम हटा के प्रोडक्ट को नया ब्रांड देते हैं। बाबा जी ने ऐसा नहीं किया, आचार्य ने ऐसा नहीं किया। ये 400 SKUs को हमेशा यूनिफाइड ब्रांडिंग पतंजलि के अंडर ही रखा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने साबुन को अलग नाम दिया, तेल को अलग नाम दिया, अनाज को अलग नाम दिया, ब्रेड को, कुछ नहीं। ये हर एक को यूनिफाइड ब्रांडिंग करके पतंजलि का ब्रांड एक्सटेंशन करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रांड का एक्सटेंशन नहीं करता। ब्रांड एक्सटेंशन मतलब सेम नाम से नए प्रोडक्ट लाते जाओ। वो हर प्रोडक्ट को सेपरेट आइडेंटिटी देता है और कन्वेंशनल मार्केटिंग का मेथोडोलॉजी यही है। आचार्य बालकृष्ण ने इस आइडिया को मना किया, बोला इस पर हम पैसे बचा के जो हमारे पतंजलि ब्रांड और बाबा रामदेव का ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को इन्वेस्ट करके हर प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड नहीं करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कुछ प्रोडक्ट्स देखिए, एक्स का डिओड्रेंट, डव का साबुन, लाइफ बॉय, लिप्टन चाय, लक्स पेप्सोडेंट, पॉन्ड सनसिल्क, वैसलीन, रिन, फेयर एंड लवली, सर्फ एक्सेल, किसान, ये सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी है। आपको हो सकता है पता भी ना हो कि ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट थे। थोड़े प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भी देखते हैं, एरियल, जिलेट, ओले, ओरल बी, पैंटीन, टाइड, विक्स, एम्बीप्योर, ड्यूरासेल, हेड एंड शोल्डर्स, पैंपर्स। हो सकता है आपको पता ना हो कि सारे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ब्रांड थे, क्योंकि उन्होंने इनकी यूनिक इंडिपेंडेंट डिग्निफाइड आइडेंटिटी क्रिएट करके उसी आइडेंटिटी से इनको सेल किया। बाबा जी एंड आचार्य बोलते हैं हमें इस पे समय नहीं लगाना, हमारे पतंजलि के नाम पे विश्वसनीयता बहुत है, उसी का ब्रांड एक्सटेंशन लेंगे। एडवर्टाइजिंग बजट में उन्होंने बल्क में डील्स खरीदी हैं। जितने भी आप देखते हैं ना आजकल टीवी एड्स, उनकी हर चैनल पे बहुत बल्क में ली हैं और नाम केवल पतंजलि का ऊपर रखते हैं। उन्होंने हर प्रोडक्ट को अलग अलग नाम नहीं दिया, जिससे उनकी एडवर्टाइजिंग स्पेंड की कॉस्ट काफी बच रही है। हो सकता है आपने रिकेट बैंकाइजर का नाम ही ना सुना हो कभी, पर रिकेट बैंकाइजर भी बहुत पॉपुलर कंपनी है जिसके प्रोडक्ट आप यूज भी करते होंगे। डेटॉल, हार्पिक, लाइजॉल, वैनिश, स्ट्रेप्सिल्स, मोर्टीन, एयरविक, लेकिन उसके कंपैरिजन में पतंजलि को देखिए, अपने SKUs बिल्ड करते जा रहा है, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है, लेकिन ब्रांडिंग उन्होंने यूनिफाइड रखी। च्यवनप्राश, डाइजेस्टिव्स, फ्रूट जूस, घी, हेल्थ एंड वेलनेस, हनी, हेल्थ ड्रिंक्स, बिस्किट, स्पाइसेस, कैंडी, हर्बल टी, जैम, शुगर, ऑयल, पल्सेस, राइस, नूडल, अगरबत्ती, सोप, स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, टॉयलेट्रीज, सबसे बड़ा FMCG का रेंज बिल्ड किया। ब्रांड ट्रस्ट में ब्रांड इक्विटी के अंदर 2016 तक जो कि टॉप 150 के अंदर भी नहीं आ रहा था, उसी पतंजलि को ब्रांड ट्रस्ट, ब्रांड इक्विटी, अलग अलग असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको टॉप 10 मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड्स के अंदर नाम आ गया है। पतंजलि का रिकॉल वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आज FMCG कंपनी की हवा निकाल दी है। एक्चुअली मैं हैरान जो हूँ ना पर्सनली, वो इस बात पे हूँ कि इनका एग्जीक्यूशन इतना तेज है, नया नया प्रोडक्ट लाइन डेवलप करने के साथ साथ उनका सप्लाई चेन ऑफ सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, वेंडर का कंप्लायंस, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, इंटरनल कॉम्पिटेंट मैन पावर, ये लगातार मैनेज कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशन तेजी से स्केलेबल करते हैं ना, उसमें कई गलतियां होती हैं, हो सकता है यहां भी छोटी मोटी गलतियां हो रही हों, पर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में ये इंटरनली बड़ा पॉपुलर है उनके एम्प्लॉयज के बारे में कि बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमने कई इनके एम्प्लॉयज से सुना। और देखते क्या है ये सारी की, देखिए इतना रैपिड एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में गड़बड़ आती है, इतना रैपिड एक्सपेंशन में प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग में गलतियां हो जाती हैं, इतने रैपिड एक्सपेंशन में डिस्ट्रीब्यूटर छूट जाते हैं या उनके वेंडर्स के कंप्लायंसेस भी मिस होते हैं, दे आर एबल टू मेंटेन इट, ये तो मतलब बुद्धि चकरा जाए काम आदमी की। शुरुआत के अंदर इन्होंने दूसरे वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स लेके प्रोडक्ट बिल्ड करने शुरू किए, लोगों ने अभी प्रश्न इनको किए ही थे, लेकिन ये बैकएंड में तैयारी कर रहे थे। कंट्री का पहला फूड प्रोसेसिंग पार्क, लार्जेस्ट फूड पार्क ऑफ आर कंट्री, हैज बीन ओन्ड बाय पतंजलि, 50 लाख स्क्वायर फीट के अंदर बनाया। लोगों ने पूछा वो सब तो ठीक है, आप बना बहुत कुछ रहे हो, ये R&D कैसे करते हो? 300 साइंटिस्ट के साथ देश के वन ऑफ द लार्जेस्ट R&D सेंटर इन्होंने बिल्ड किया, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उद्घाटन भी किया। तो ये बैकएंड भी तैयार कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी तैयार कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, इनकी सफलता में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बाबा रामदेव का शुरू से ही आचार्य बालकृष्ण के साथ फोकस है कि प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन बहुत कम रखो, और वही एक कारण भी है कि ये आईपीओ अपना नहीं लेके आते, क्योंकि अगर आप आईपीओ लेकर के आएँ और एफएमसीजी के अंदर जो प्रोडक्ट्स में मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट 15% से कम हो तो वहाँ पर आपके इन्वेस्टर्स आपसे खुश हो ही नहीं सकते। तो बाबा जी कहते हैं कि कर्जा ले लो, जब कर्जा लोगे तो दिमाग ठीक रहता है और दिमाग फोकस में लगा रहता है। तो ये शुरू देखिए, आज आप रिटेलर्स के पास जाए ना, इनका ब्रांड पुल बड़ा पावरफुल है, वरना रिटेलर इनका सामान आसानी से नहीं रखता, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट में ऑन एन एवरेज क्यूमुलेटिव मार्जिन एक रिटेलर को 50% तक बच जाता है, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट में एक रिटेलर को मार्जिन 5 से 10% बचता है, मैक्सिमम 10% बचता है, लेकिन एक रिटेलर की जो मैनेजिंग रिटेल आउटलेट को मैनेज करने की कॉस्ट है वही 15% से ज़्यादा आती है। अगर 15% मार्जिन नहीं हो तो रिटेलर के लिए वो नुकसान की बात है, पर रिटेलर को मजबूरी वश रखना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को नेटवर्क को तैयार करने से पहले मार्केट में पुल बड़ा ज़बरदस्त रखा, तो शुरू से ही मार्जिन इतना कम रखा जिससे जैसे ही प्रोडक्ट का कंपैरिजन होता है लोग पिकअप करते हैं, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू मार्केट में पुल भी आ रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, इसलिए जबरन जबरदस्ती आज रिटेलर्स को उनका माल रखना पड़ रहा है। एक्चुअली इन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन पे भी बड़ा काम किया, अल्टरनेट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर दिए, और साथ में एडवर्टाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी स्ट्रांग रखी, पुल बड़ा आया। मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, कई एंटरप्रेन्योर हैं छोटे छोटे मार्केट में जो आरोग्य केंद्र, चिकित्सालय और स्वदेशी केंद्र खोल के रखते हैं, ये अपने ही पैसे से खोल के रखते हैं। आचार्य बालकृष्ण ने इनके साथ एक पार्टनरशिप किया, उस पार्टनरशिप में इन्होंने उनको दो चीज़ें दी, एक तो इन्होंने वहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर आयुर्वेद का बैठता है उसको उन्होंने सर्टिफाई किया, ये पहला सपोर्ट दिया उनको, कहा कि हम आपके हम उसको सर्टिफाई करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, और दूसरा सपोर्ट दिया कि उनको अपने ब्रांड का होर्डिंग इनको दे दिया। अब बाबा रामदेव के ब्रांड का जब होर्डिंग इस चिकित्सालय के बाहर लग जाता था उससे उनको रब ऑफ इफेक्ट से, उनके ब्रांड पुल से उनके चिकित्सालय पर ट्रैफिक बढ़ जाता था। अब जब ट्रैफिक बढ़ता था तो नेचुरली उनकी सेल बढ़ती है, तब उसी को बिल्ड करने के लिए इन्होंने उनसे बदले में क्या लिया, सारी प्रोडक्ट रेंज वहां रखवा दी। अब जैसे ही जाकर के चिकित्सालय के अंदर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिसको उन्होंने सर्टिफाई किया वो कोई दवाई लिखता है तो वहां पे क्रॉस प्रमोशन होती थी, एफएमसीजी का माल खरीदा तो साथ में दवाई भी ले लिया, दवाई लेने गया तो एफएमसीजी का माल भी बिक गया, उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, ये भी बिका ये भी बिका, कभी ये बिक गया तो उसके साथ ये भी बिक गया। तो टेक्निकली इन्होंने ये सारे आयुर्वेदिक क्लिनिक में अपने प्रोडक्ट्स का वीकली रिप्लेनिशमेंट साइकिल रखा, और जब वो आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिस दिन छुट्टी पर रहता है ना उस दिन इनकी सेल्स 30-40% घट जाती है। तो वहाँ एक्चुअली क्या है, उधर से इनके माल को शुरू में अवेयरनेस जनरेट हो जाता है, एडवर्टाइजिंग से अवेयरनेस जनरेट हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, लोग आसपास में एक्सपेक्ट करते हैं ये दवाई की दुकान पे भी मिल जाएगा पतंजलि का माल, रिटेल किराना दुकान सब जगह मिल जाएगा, तो वो सब जगह जैसे ही डिमांड जनरेट होती है तो रिटेलर को कम मार्जिन पे भी इनका माल रखना पड़ता है। अब क्योंकि इनका साइजेबल कस्टमर बेस हो गया तो रिटेलर को चिंता है दैट ही डजंट वांट टू लूज अ कस्टमर हु इज लुकिंग फॉर पतंजलि प्रोडक्ट्स। ऐसा चलते चलते मार्केट के पुल का बेनिफिट मिलने लगा। सो जनरल ट्रेड को सफल बनाने के साथ साथ मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स में भी आचार्य बालकृष्ण उतर गए। आज उनका सामान बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, हाइपर सिटी हो या स्टार बाजार, टाटा ग्रुप का, डीमार्ट हो, स्पेंसर रिटेल हो, आदित्य बिरला का मोर हो या अपोलो फार्मेसी, इस प्रकार उन्होंने 10,000 से 20,000 एक्स्ट्रा आउटलेट्स पकड़ लिए जहां पे उनका माल बिकता है, और ई कॉमर्स पे तो बिक ही रहा है। अच्छा, जैसे ही स्टोर में प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन दिखता है ना, ये एक लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर की तरह मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए ब्रांड पुल से हिला दिया सारी मार्केट को। आशीर्वाद का नमक 18 रुपए का है, टाटा का नमक 20 रुपए का है, सफोला का नमक 31 रुपए का है, वहीं पतंजलि अपना नमक 12 रुपए का लेके आया। तो ये ओवरऑल अपना नेट प्रॉफिट हमेशा 10% से कम रख करके भी बहुत खुश हैं, ये कन्वेंशनल स्टाइल है, ये प्रॉफिट पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे, इस समय पेनिट्रेशन पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन भी बहुत ज़बरदस्त करना चाहते हैं, सिक्योरिटी में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, क्लोदिंग में आ रहे हैं, कई प्रकार के प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट क्लोदिंग के अंदर आचार्य बालकृष्ण का कहना है जो रॉ मटेरियल है जो कॉटन है ना वो बहुत सस्ता है, प्रोडक्ट का फिनिश मटेरियल भी सस्ता है, लेकिन जैसे ही ब्रांड का टैग लगता है वो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस सेलिंग प्राइस बहुत बढ़ जाता है। सो एक्चुअल प्राइस में और फाइनल रिटेल प्राइस में बहुत बड़े मार्जिन का अंतर है।
आचार्य बालकृष्ण कहते हैं, मैं जीन्स भी लाना चाहता हूँ और बहुत तरह के स्वदेशी कपड़े लाना चाहता हूँ, विदेशी ताकतों को पैसा क्यों दिया जाए, और जो एक्चुअल प्राइस है और फाइनल रिटेल प्राइस है उसके डिफरेंस को हम कम करना चाहते हैं। इस विजन के साथ ये क्लोदिंग में भी आ रहे हैं, लो मार्जिन के साथ बड़ी पेनिट्रेशन, ये भी एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। आचार्य बालकृष्ण की स्टोरी अपने आप में प्रूफ है कि ये संसारिक पढ़ाई के साथ में आज के कमजोर MBA के कॉलेजेस जिन्होंने कई ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए, जो सारे बड़े मल्टीनेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं लेकिन वो उतना तेज ग्रोथ रेट नहीं ला सके। ये विजन चाहिए, वो पावरफुल प्रोडक्ट हम लोग अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कराते हैं। आप भी आते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, अब कई केस स्टडीज हमारे पास हो गई हैं जो लोग सफल हो रहे हैं, अपने आप को स्केल अप कर रहे हैं। आप भी लीडरशिप फनल में आइए, कई डिटेल केस स्टडीज के साथ हम लोग ले रहे हैं। और देखिए, ये बोर्ड लाइन नंबर पर आप दिन हो या रात हो, जब भी इस वीडियो को देखें फोन जरूर करें और पता लगाएं अगली तारीख कब की है। कभी हम दिल्ली में करते हैं, कभी मुंबई में करते हैं। आप अपनी सीट ब्लॉक करिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, एक लिमिटेड बैच के साथ हम उनको 6 महीने तक ट्रेन करते हैं। आप मुझसे मिलते हैं 5 दिन के लिए और 6 महीने तक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपको लगातार ट्रेन करते हैं। आपको 6 महीने मुझसे मिलना नहीं पड़ेगा, मिलना है आपको 5 दिन के लिए और डिजिटली हम लोग 6 महीने इस प्रोग्राम को रन करेंगे। हाँ, और एक खास बात, मेरे पिछले वीडियो से मैंने ऑब्जर्व किया, नीचे कॉमेंट्स में आपने बताया आपको शाओमी का वीडियो देखना है, आपको नोकिया का केस स्टडी देखना है, आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम का केस स्टडी देखना है। मैं आपको कमिट कर रहा हूं, ये तीनों केस स्टडीज एक के बाद एक जल्दी आने वाली है। अगला केस स्टडी आप और कौन सा देखना चाहते हैं वो शेयर करें। मेरे बिजी शेड्यूल में एक एक केस स्टडी बना के आपको देने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत समय जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, थोड़ा सा इसको आपको फायदा होता है, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करिए। हरियाणा के एक गांव से, संस्कृत के महाविद्यालय से पढ़ाई करी बिना पैसे के, आज हिंदुस्तान का 8वां सबसे रईस इंसान बने आचार्य बालकृष्ण। मैं चाहता हूं ऐसी केस स्टडीज जिससे आपकी बिजनेस एबिलिटी पे आपका विश्वास बढ़ता हो, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको शेयर करें ताकि लोगों का उत्साह बढ़े और वो लोग भी ऐसा स्केलेबल विजन रख सकें। आप शेयर जरूर करिए वीडियो, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अगर आपने बेल आइकॉन को हिट कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, एंश्योर करिए आपके दोस्त भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर हिट करें। ऐसे वीडियोज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।